देखो देखो क्या यार, इनका फंक्शन है, गाड़ी पे स्क्रैच आ जाता है, इंसान हटाए हटाए परेशान है, गाड़ी में स्क्रैच आ जाए इनको कोई मतलब ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस मोटो हब में। तो आज गाइस चल रहे हैं हम लोग द ओनली अपनी मारुति अर्टिगा की फर्स्ट सर्विस कराने, और इसका पूरा एक्सपीरियंस आज आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलते हैं शोरूम सबसे पहले। आज सुबह हो रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं, केवल 9 बज रहे हैं अभी, तो जल्दी शोरूम पे चलते हैं ताकि सुबह सुबह आप जाएं तो जल्दी जल्दी काम हो जाए वहाँ पे। तो चलते हैं सबसे पहले सुबह सुबह गाड़ी में। तो भाई अभी आपको सबसे पहले ओडोमीटर दिखाते हैं कि आज जो फर्स्ट सर्विस होने जा रही है कितने पे होगी। 930 किलोमीटर गाड़ी चली है अभी तक और 1000 पे होनी थी सर्विस। तो अभी जो है इसकी आज फर्स्ट सर्विस कराते हैं। मारुति वाली मैडम की बहुत सारी कॉलें आ रही थी अपने पास कि सर सर्विस करा लीजिए, सर्विस करा लीजिए। तो और एक महीने पहले से हम लोग थोड़ा सा, जुलाई में गाड़ी ली थी तो अगस्त भर तो टाइम रहा इतना, तो आज सितंबर में इसका जो डेट आया अपना, तो हम लोग चलते हैं शोरूम में सबसे पहले। तो भाई पहुंच गए मारुति, और कितनी लंबी लाइन है यार भाई, सुबह 9 बजे भी आए तब भी यार लाइन ही मिलती है यहाँ पे। कल शाम को आके मैं लौट गया 4 बजे, कहते हैं आपको गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। फिर मैंने कहा चलो सुबह लेके आते थोड़ा जल्दी। अब बज रहे हैं 9:30 और अब देखो लाइन ही लाइन लगी पड़ी यहाँ पे। यार मारुति को भैया सर्विस क्या बताएं, इतना टाइम कैसे लग सकता है। चलो कि भाई सर्विस सेंटर जो है ना अपना, मैं कह रही हूँ थोड़ा कंजेस्टेड है यार। कंजेस्टेड इन द सेंस मतलब आप देख सकते हो पासिंग के लिए इनके पास इतनी सी जगह है। अब गाड़ी यहाँ पे तो ये जो इन्होंने बना रखा है ना अपना ये सिक्योरिटी गार्ड वाला रूम, इसकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब एक गाड़ी आगे जाएगी और पीछे जगह बनेगी। अब जैसे अर्टिगा के पीछे अपनी जगह है तभी वो स्विफ्ट अपनी निकल पा रही है, ऐसे सब गाड़ियों का ऐसे नंबर आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या है टाइम लॉस हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा मेरे को सर्विस का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लग रहा है यार, मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन इन्होंने ख़राब कर दिया। वैसे अपने कानपुर में बहुत सारे हैं, मगर सोचो फर्स्ट सर्विस यार, जहाँ से गाड़ी खरीदी वहीं से कराते हैं मेरे हिसाब से। चलिए अब देखते हैं ओवरऑल क्या देते हैं। ये है भाई अपना कस्टमर लॉन्ज जो आप देख पा रहे हो, बहुत ही नॉर्मल टाइप का बना है। बिलिंग भी अपन लोगों ने करा ली है और कुछ नॉर्मल है, चाचा लेटे हुए हैं आराम से, प्रीमियम वाला फील नहीं है। देखो फटी सटी सीटें हैं, सब फटी सीट्स, कुछ बढ़िया नहीं है, मतलब
आप मारुति से क्या ये एक्सपेक्ट करेंगे। अब वहाँ अपना देखो गाड़ियाँ हो रही हैं सब, वो इंजन रखा हुआ है, मतलब कुछ भी, एक देखो ऐसा डस्टबिन रखा हुआ है यार, सब स्टैंड खाली है, वो मशीन भी नहीं चल रही, बस चल क्या रहा है, एसी चल रहे हैं दोनों अपने। तो एक्सपीरियंस इस डीलरशिप का बढ़िया नहीं है, तो यहाँ सब चलते हैं हम लोग। चलो भाई नीचे चलते हैं अपन लोग, बहुत देर होगी भाई, गाड़ी भी हो गई होगी। तो गाइस फाइनली अब इसकी जो फर्स्ट सर्विस हो गई है, और आपको अच्छा बिल पे बताऊँ ना, तो ये बिल है हमारा 0 रुपीज़ का बिल, मतलब बिल अब ये आपको 0 रुपये का बिल इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि आप कंपनी के चंगुल में नहीं फंसे हैं, चंगुल इन द सेंस मतलब जो आपको इसमें जब आप फर्स्ट सर्विस कराने पहुँचेंगे तो आपको सबसे पहले बोलेगा सर आप कोटिंग करा लीजिए, सर आप गन मेटल वाली पॉलिश करा लीजिए, गन वाली जो भी है, और 200 रुपये बैटरी में पानी डालने के, वाइपर के और वो शैम्पू वगैरह के 200 रुपये चार्ज कर रहा था। हमने कहा आप जो फ्री कर पाओ वो दे दो भैया, फ्री वाला काम जो है, फ्री सर्विस है यार, फ्री काम करके दो। ये डीलरशिप इतना बकवास है, मेरे को सबसे ख़राब इसका डीलरशिप लगा है। देखो जगह नहीं है फिर भी पहले पड़ा है, बिल्कुल क्या बताऊँ आपको मैं, और गाड़ी में स्क्रैच भी आ गया, इनफैक्ट इतना ख़राब है ना, देखो कितने मतलब कुछ वर्क ही नहीं है, हम नहीं आके लाएंगे, अभी छू जाएगी यार कुछ भी कहोगे। देखो 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 क्या यार इनका फंक्शन है, गाड़ी पे स्क्रैच आ जाता है, इंसान हटाए हटाए परेशान है, गाड़ी में स्क्रैच आ जाए इनको कोई मतलब ही नहीं। तो फाइनली गाइस पहुंच गए हैं घर आफ्टर द सर्विस। दोस्तों आप मैं आपको अगर एक सर्विस की एडवाइस दूँ ना, तो आप केवल उसी शोरूम से सर्विस कराइए या उसी सर्विस सेंटर पर जाइए जहाँ पे आपको कम से कम भीड़ मिले, क्योंकि आज हम जिस सर्विस सेंटर में गए थे वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और माय कार काफ़ी नामी है जैसा आप सभी जानते हो, तो उस सर्विस सेंटर में ही जाएं जहाँ पे आपको कम से कम भीड़ मिले, क्योंकि आपको काम नहीं बेहतर मिलेगा। मैं आपको दिखाऊं, आप पीछे अभी गंदगी है गाड़ी हल्की सी, यहाँ पे डोर वगैरह बिल्कुल मतलब ढंग से, एक तो सफाई नहीं करते, बिल्कुल नाम का है बिल्कुल, मतलब कुछ मज़ा नहीं आता है कि कोई प्रीमियम चीज़ है, कोई प्रीमियम डीलरशिप है, नहीं बिल्कुल नहीं। हमें लगता है नेक्सा में जाना चाहिए मारुति वालों को, कम से कम कुछ तो बढ़िया ऑफ़र करें। तो बाकी गिफ्ट वगैरह तो आप भूल ही जाओ, सर्विस ही करके दे दी, बहुत बड़ी बात है, कुछ अच्छा नहीं है, बाक सब अपने हाथ से ही करना पड़ता है, बताओ। चलो गाइस आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद। तो अगर इंस्टाग्राम में कोई भी करिए आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं, चलते हैं अब मिलते हैं अगली वीडियो में।